अफगानिस्तान के तालिबान का कब्जा हो जाने बाद हालात खराब हो रहे हैं। अफगानिस्तान के काबुल दे विच तालिबान के दाखले तो बाद भगदड़ मची हुई है। हजारां लोग देश छड्डण दे लई काबुल हवाई अड्डे ते जमे हुए ने। इस दौरान ब्रिटिश फौज ने दावा किया है कि हवाई अड्डे ते भगदड़ मच जाने के कारण 7 अफगानी नागरिकों की मौत हो गई है। ब्रिटेन के रक्षा मंत्रालय ने कहा है कि जमीनी स्थिति इस समय बहुत चुनौतीपूर्ण है, पर असी स्थिति नूं संभालने दे लई हर संभव कोशिश कर रहे हैं। हफड़ा दफड़ी उस समय मची जदों तालिबान लड़ाकियों के नाल घिरे हवाई अड्डे ते लोग तेजी नाल बाहर निकलने की कोशिश कर रहे सी। घटना उस समय वापरी जदों तालिबानी लड़ाके भीड़ नूं हटाउण दे लई हवा दे विच फायरिंग कर लगे। अफगानिस्तान के तालिबान के कब्जे तो बाद इत्थे फसे भारतीय नागरिकों को कढ़ने का सिलसिला भी जारी है। ऐतवार को 3 जहाजा राही 390 लोग भारत परते ने। एयरफोर्स के C-17 एयरक्राफ्ट के राही 168 लोगों की वापसी हुई। इन्हां दे विच 107 भारतीय 23 अफगानी सिख और हिंदू शामिल ने। यह जहाज गाजियाबाद स्थित हिंडन एयरबेस से पहुंचा सी। इस तो पहला 87 भारतीयों और 2 नेपालियों भारत लिया गया सी। एक होर फ्लाइट राही 135 लोगों की वापसी हुई है। भारत आने वालों के विच अफगानिस्तान के सिख MP नरेंद्र सिंह खालसा भी शामिल ने। अफगानी MP भारत पहुंचने से भावुक हो गए। आप मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रहे नरेंद्र खालसा, आप तो एक MP के तौर पर अपने मुल्क को छोड़ना कितने दर्द की बात लगती है? ये तो मुझे रोना था। सर आप जाएंगे अपने घर, आप चिंता मत करिए, आप जाएंगे। ऐसा आप रोइए मत। सर अफगानिस्तान के लिए कुछ दुआ इस समय अगर आप कहना चाहें तो क्या कहेंगे अफगानिस्तान के लिए? बस क्या करें, जो अफगानिस्तान में हमारे पीढ़ियों से रह रहे थे, इस तरह वाला जो एक हमने नहीं देखा, तो जो आप देख रहे हैं उधर सब कुछ हमारे सीरिया सब कुछ खत्म हुआ। 20 साल जो गवर्नमेंट बनी थी अतः सब कुछ खत्म है उधर, अब जीरो है। 200 से हिंदू भाई फंसे हुए हैं, गुरुद्वारे में रहते हैं, जलालाबाद से आए, गजनी से आए, अभी उधर ही है। मगर हम कोशिश करते हैं वो भी आ जाए, क्योंकि अभी उधर भरोसा नहीं है, कुछ नहीं है। किस्म किस्म तालिबान है, किस्म किस्म लोग हैं, किस किस से लड़ें, किस किस से बात करें। जो उनके बड़े लोग थे उनके साथ जो हमारे कांटेक्ट नंबर था या हम फोन किया था उन्होंने कि आप बैठो, सुरक्षित हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, आपको तालिबान चाहिए, जो चाहिए, गुरुद्वारे के लिए सिक्योरिटी चाहिए, हम कर सकते हैं आपको दे। मगर हम फिर भी भरोसा नहीं है, क्योंकि उसमें कई किस्म किस्म लोग हैं। नरेंद्र खालसा ने भारत सरकार तो मांग की है कि बाकी फसे नागरिकों को भी जल्द तो जल्द वापस बुलाने के लिए कदम चुके जान। हालात आपको पता है, जो उधर निजामी हालात है, हालात खराब थे, ठीक नहीं थे। हाँ। बहुत रियासत गर्दी चल रही थी। हाँ। परेशानी बहुत ज्यादा थी। मगर जो मैं इधर पहुंचा, मैं समझा जो मेरी जान बच गई और मेरी बच्ची की जान सब कुछ बच गई, क्यों उधर परेशानी बहुत ज्यादा थी, संगत को बहुत परेशान थी, और जो हमारे हिंदू भाई सिख भाई उधर रहते थे और उनको भी परेशानी बहुत ज्यादा है उधर। मैं भारत सरकार से यही चाहता हूँ जितने बंदे उधर बचे हैं उसको भी लौट आए इंडिया। फिर अफगानिस्तान तो परते नागरिकों ने अपनी हड बीती भी सुनाई है। जी बहुत अच्छे टाइम में हमारी मदद की, बहुत गंदे हालात थे वहाँ, तालिबान थे, बहुत हालात सही नहीं थे, एयरपोर्ट बार बार बहुत बार बार आना पड़ रहा था, बहुत फायरिंग वगैरह थी, बहुत जालिम वहशी दरिंदे लोग हैं, तो बहुत मुश्किलों से बस यहाँ पहुँचे। एयरपोर्ट पे भी वहाँ पे कोई दिक्कत हुई थी? एयरपोर्ट में भी यहाँ तालिबान वगैरह बहुत मना कर रहे थे, मत जाओ, किधर जा रहे हो, फिर बहुत मुश्किलों से तब जाके हम छूटे। बस मोदी सरकार का हम बहुत धन्यवाद दिल से करते हैं, मेहरबान।